रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र स्थित संत बाबा यशोदा राम सत्संग भवन तोपखाना में बीती रात चोरों ने धावा बोला, जहां से दान पेटी सहित अन्य सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। सत्संग भवन के मुख्य द्वार पर तीन ताले लगे हुए थे, जिसे चोरों ने तोड़ दिया, जिसे वह अपने साथ ले गए हैं। सत्संग भवन के अध्यक्ष रमेश तालबीजा ने बताया कि बीती शाम सत्संग होने के बाद वह ताला बंद करके चले गए थे। सुबह जब वह सत्संग भवन पहुंचे तो मुख्य द्वार के तीनों ताले टूटे हुए थे। अंदर जाकर देखा तो दान पेटी गायब थी, जिसमें लगभग 30 से 40 हजार रुपए दान के रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि ओम नाम के एक स्टैंड को भी ले गए हैं, जो चांदी के समान दिख रहा था। इस दौरान चोरों ने गुरु ग्रंथ साहब के साथ भी छेड़खानी की, जहां वह पैसे की तलाश कर रहे थे। सुबह घटना की जानकारी होने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की शिकायत बिछिया थाने में दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद अब अज्ञात चोरों की तलाश में पुलिस लगी हुई है, जिसके लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी तलाशी जा रही है। ये कौन सा गुरुद्वारा है? ये संत बाबा यशोदाराम सत्संग भवन है। हमारी मेन ऑफिस जो है लखनऊ में है, हमारा आश्रम। उन्हीं के द्वारा जो है ये पूरे भारत में 20 जगह सत्संग भवन बना हुआ है, और यहाँ भी रीवा में उनकी शाखा है, जो संत बाबा यशोदाराम सेवा समिति के नाम से संभालती है। मैं उनका अध्यक्ष हूँ सेवा समिति का, और मेरी ये जवाबदारी है कि सवेरे जो सत्संग होता है तो इसको भवन को खोलने की जवाबदारी जो सेवा मिली है गुरुजी ने मेरे को दिया है, तो मैं रोज पौने चार चार के बीच में आके इसको खोलता हूँ। तो आज मैं सवेरे जैसे पौने 3:50 पे जैसे आया तो बाहर का गेट जो है मेरे को खुला हुआ मिला, तो मैं समझ गया कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब अंदर आया और मैंने देखा तो दो दान पेटी हमारे यहाँ पड़ी थी, जो श्रद्धालु दान डालते थे, और तो जिससे उस दान से जो हम सेवा का कार्य करते थे, और हमने कुछ दिन पहले रीवा रेलवे स्टेशन में भी जो है एक ठंडे पानी की मशीन लगाई है, और उसके बाद जो है जिला अस्पताल में भी एक ठंडे पानी की मशीन लगाई है, और ऐसे बहुत से कार्य ऐसे लेके गए हैं। वो क्या क्या ले गए हैं? दान पेटी लेके गए हैं, और बाकी पूरे जो है अलमारियां जो बनी है उनको जो है तहस नहस की है, पैसा देखने के हिसाब से कहीं कुछ मिल जाए तो ले जाए। पैसा उसमें कम से कम 25-30 हजार एक दान पेटी में होगा, और 1000-2000 दूसरी पेटी में होगा, क्योंकि वो 2 महीने से अपन नहीं खोले थे। हाँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ उनको पैसा दिखा है कि हमको यहाँ पैसा मिल सकता है या पड़ा होगा, जैसे गुरु ग्रंथ साहब हमारा पड़ा था सरदे, तो उनको जो है उल्टा करके सब पूरा देख दिए, फिर वही छोड़ दिए उल्टा ही। ऐसा करके जहाँ जहाँ दर्शन गुरु नानक साहब का था, दर्शन साहब पड़ा था उसको भी फेंक दिए हैं, और वहाँ पे एक ओम का स्टैंड वाला पड़ा था तो उसको भी चांदी का समझ के लेके गए हैं। यहाँ कितने ताले लगे हुए थे? 3 ताले लगे थे, और ताले भी ले गए हैं, ताले तोड़े हैं, ताले भी लेके गए हैं कुछ अपने। मैंने आवेदन दिया है सवेरे 7 बजे जाके बिछिया थाने में, उन लोगों ने बोला कि हम आएंगे जांच करेंगे, उसके बाद उसको जो है FIR में दर्ज करके आपको कॉपी देंगे। पुलिस आई? अभी तक आई नहीं है, जो भी कारण हो हम पता करेंगे किस कारण से अभी तक नहीं आ पाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश तलरेजा है, मैं संत बाबा यशोदाराम सेवा समिति रीवा ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। यहाँ रात में कोई भी नहीं रहता है, और ये रात शाम को जो है 7 बजे बंद करके, बहनों का जो है 4 से 7 बजे तक सत्संग होता है, तो बहने लोग बंद करके साफ सफाई करके चले जाते हैं। आपको कब पता चला? मेरे को सवेरे जैसे मैं आपके खुला 3:50 पे तभी मेरे को पता चला। कौन सा स्थान है ये? सिंधी कॉलोनी तोपखाना कवर नगर में संत बाबा यशोदाराम सत्संग भवन है। यहाँ केवल सत्संग ही होता है, सवेरे भी होता है, शाम को होता है, अमृत वेला भी होता है। सरदार